नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पूरा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। कंप कपाती ठंड से जहां लोग घरों में कैद होने को मजबूर है, तो वहीं कोहरे की वजह से हवाई उड़ान और ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से 30 फ्लाइट देरी से उड़ी, जबकि 17 उड़ानें रद्द कर दी गई। ईरान ने इराक के अर्थ स्वास्थ्य कुर्दिस्तान क्षेत्र में इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय समेत कुछ ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। राजधानी एरबिल के पास हुए धमाके के बाद वहां 4 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हुए हैं। अटैक के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पनप गया है। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को एक प्रेस वार्ता में बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनाने वाली पार्टी को उचित भागीदारी के साथ समर्थन देगी। भारतीय शेयर बाजार की आज मिली जुली शुरुआत हुई है और सेंसेक्स ने एक बार फिर ऑल टाइम हाई का लेवल छू लिया है। हालांकि निफ्टी अपने उच्चतम स्तर से नीचे खुला है। बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल और जेडब्ल्यूएस स्टील में तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो बाजार की शुरुआत में 1300 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरा यह फलसफा है कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे हिंदुओं का अपमान करना बंद करें। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की सेना इस प्रकार से बात करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करी है, जो कि गलत है। मुंबई के परेल ब्रिज पर बाइक और डंपर में टक्कर हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड और ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। मुंबई में मेट्रो सेवा लड़खड़ा गई है। दहीसर से कांदिवली के बीच ट्रेनें फंसी हैं। अप और डाउन दोनों सेवा प्रभावित है और तकनीकी खराबी के चलते ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश नहीं बल्कि विदेश से भी अतिथि आ रहे हैं। यह पूरे देशवासियों के लिए हर्षोल्लास का क्षण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने के मामले में आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी 16-17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री इन दो राज्यों को करीब 4000 करोड़ रुपए का सौगात देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आज नई दिल्ली में सभी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम दाओस में विश्व आर्थिक मंच के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि महाराष्ट्र को सबसे अधिक निवेश मिलेगा और ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने बहुत प्रयास किया है। जमीन घोटाला मामले में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को पूछताछ कर सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने 8वें पत्र का जवाब भेजकर ईडी को सीएम हाउस आकर बयान लेने को कहा है। ईडी ने सीएम को 13 जनवरी को पत्र भेजकर वक्त मांगा था। नवी मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर शरद मोहल की हत्या के मामले में एक प्रमुख संदिग्ध और 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर के पास हमले की साजिश रचे जाने की सूचना फोन कॉल से मिलने के बाद पुलिस ने मातोश्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस से नियंत्रण कक्ष में रविवार शाम को मातोश्री के पास हमले को लेकर धमकी भरा कॉल आया था। उनके मुताबिक फोन करने वाले शख्स ने पुलिस को बताया कि मातोश्री को खतरा है, क्योंकि उसने 4-5 लोगों को ठाकरे के घर के सामने हमला किए जाने की बात करते हुए सुना है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांके ने सोमवार को कहा कि वह समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 26 जनवरी को मुंबई में आजाद मैदान या शिवाजी पार्क मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने अपने नेतृत्व वाले मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख स्थल अंतर वाले सुरती गांव में संवाददाताओं से कहा, मराठा समुदाय के सदस्य 20 जनवरी को अंतरवाली सरती गांव जालना जिले में मुंबई के लिए निकलेंगे। वे कुछ यात्रा पैदल करेंगे और बाकी यात्रा वाहनों के जरिए की जाएगी। हमारा लक्ष्य 26 जनवरी तक मुंबई पहुंचने का है।
मुंबई के परेल इलाके में स्थित एक नगर निगम स्कूल में सोमवार सुबह आग लग गई। मकर संक्रांति की छुट्टी के कारण स्कूल बंद होने के कारण इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। मेन कॉलोनी मोनोरेल स्टेशन के सामने स्थित 5 मंजिला साई बाबा स्कूल में सुबह करीब 9:15 बजे आग लग गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के दाउस दौरे पर शिवसेना यूबीटी गट नेता आदित्य ठाकरे का कहना है वह अपने साथ 50 लोगों का प्रतिनिधि मंडल ले जा रहे हैं। वह अपने साथ इतने लोगों को क्यों ले जा रहे हैं कोई नहीं जानता है। इन 50 लोगों में से कोई भी बिजनेसमैन नहीं है और कोई ऐसा नहीं है जो महाराष्ट्र के बारे में बोल सके। यह OSDPA सांसद और पूर्व सांसद है। भले ही वे अपना खर्च उठा रहे हो, क्या उनके पास विदेश मंत्रालय से अनुमति है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को शुरू किया गया अटल सेतु मुंबई वासियों के लिए पिकनिक स्पॉट बन गया है। ब्रिज शुरू होने के बाद से लोग सेतु पर पहुंचकर और सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोककर सेल्फी लेते और वीडियो बनाते हुए नजर आए। हैरानी की बात तो ये रही है कि कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी नजर आए और खतरों से खेलते हुए तस्वीर खिंचवाते रहे। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा 16 जनवरी यानी आज अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीती रात एक्टर के घर पर एक पार्टी रखी गई जिसमें उनके सास ससुर समेत कई सितारे शामिल हुए। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।